तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ फोर्ज़ा। और आज हम उसी रेसिंग ट्रैक पर रेस करेंगे, डिफरेंट कार से जो मेरी सीरीज चल रही है, एक रेस ट्रैक और डिफरेंट कार्स की। तो लास्ट टाइम हमने ये हुनिगन वाली कार से की थी, अब हमें सेलेक्ट करनी है कि अगली कार कौन सी होगी। लेट्स सी गाइस, ये फरारी कर लेता हूँ, काफ़ी सही से लग रही है, मुझे लग रहा है मैंने इसे एक या दो बार ही चला रहा है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी इस नई नवेली चमचमाती फरारी से रेस। देखते हैं ये हमें फर्स्ट लेके आएगी या फिर लास्ट लेके आएगी या फिर इन बिटवीन। तो यहाँ पर हमारी रेस हो चुकी है शुरू, जो कि होगी लगभग 4 मिनट्स के अराउंड की, मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, बट 4 मिनट्स के अराउंड ही होगी। और चलो गाइस फटाफट रेस कर लेते हैं शुरू। ओके गो, सही लग रही है गाइस, ये काफ़ी सही लग रही है। आगे ये वाली है, आगे भी एक और फरारी थी और वो काफ़ी पुरानी सी लग रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आता कभी। देखो ये जो अभी गई आगे रेड कलर वाली, अबे यार ये क्या हो गया, वो मुझे पता नहीं, कोई कोई कार्स पता नहीं क्या सीन है। अभी देखो एक और गई है, यार ये क्या सीन है, इधर क्यों जा रही है भाई, मुझे लग रहा है मेरे कोई बटन शायद दबा रह गया यार। अरे यार 12th पोजीशन पे मैं जीतना चाहता था, फरारी का नाम खराब नहीं करना चाहता। जब हम विंटेज कार से रेसिंग करते हैं ना, पुरानी कार से या ट्रक से मस्ती वाली, तो फिर उसमें तो सब चल जाता है, बट ये रेसिंग कार है यार, इसकी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। चलो फर्स्ट ना पाए कोई बात नहीं, बट इतनी बेइज्जती भी ठीक नहीं है ना कि हम लास्ट आ रहे हैं। ओके गेन कर लिया आराम से गाइस, कई बार ना सही हो जाता है अगर हम टर्निंग पे स्लिप ना करें तो काफ़ी सही हो जाता है कई बार यार। ओके अब लग रहा है कि हम सही पोजीशन ला सकते हैं, क्योंकि अभी 1/3 ही रेस हमारी हुई है, बाकी आराम से स्लो नहीं यार। ओके बच गए, पिछले वाली कार ने हमें टक्कर मार दी, नहीं तो वो आगे निकल जाती। चलो गाइस थोड़ा ध्यान से रेस करेंगे, नहीं तो फिर हो जाएगी गड़बड़। अपना मस्त रेस ट्रैक है ये वाला, मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस ये रेस ट्रैक, सही लोकेशन है इसकी। और मैं ना ये जो ट्रैक चूज़ कर रहा था ना, ये मैं ऐसे ट्रैक चूज़ कर रहा था कि कम से कम अच्छे वेदर में और अच्छे टाइम में, ताकि ना डे टाइम में ये रेस हो रही है तो सब कुछ क्लियरली दिखता है, अच्छा लगता है। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ट्रैक, बहुत सही है एरिया भी, बस शायद साइड में जहाँ पर सैंड है ना, वहाँ अगर सैंड में गलती से पहुँच गए तो फिर बहुत ज़्यादा बैलेंस खराब हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये कार फर्स्ट, बस फर्स्ट वाली बची है, बाकी मैंने सबको पीछे कर दिया है धीरे धीरे भाई। 65% रेस हो चुकी है, मुझे तो लग रहा है हम जीत ही नहीं मतलब जीत तो जाएंगे ऐसा लग रहा है, बस थोड़ी गड़बड़ ना हो। आगे तो हम निकल चुके हैं, अब बस हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है भाई, पोजीशन मेंटेन रखनी है, कई बार ना दिक्कत हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है। आए स्लो करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे चल, ज़्यादा धीरे नहीं। देखो कार्स आगे पीछे से, अरे यार पीछे देखने के चक्कर में अभी जाता। चलो जीते नहीं देना है, मेरे ख्याल से अब एक दो टर्न बचे हैं फिर फिनिश पॉइंट आ जाएगा। हाँ गाइस फिनिश पॉइंट दिख रहा है यार, फिनिश पॉइंट दिख रहा है, कार बहुत सही लग रही है गाइस साइड व्यू से। स्पीड तो हुई बट मुझे लग रहा है हम जीत ही जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से हूँ। अब लास्ट टर्न है ये और फिर ये रेस होगी फिनिश। भाई कोई है भी पीछे या नहीं, ये ड्रिफ्ट मारने को इसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने पहले टर्न कर दिया। चलो गाइस फाइनली हमारी भी इज्जत रह गई, फरारी की भी इज्जत रह गई और हमने ये रेस जीत ली है यहाँ पर, थैंक गॉड। कोई कोई रेस हार जाए कोई जीत जाए तो दिक्कत नहीं होती, अगर हम सारी रेसेस हारते चले जाए ना तो गाइस फिर तो लगता है कि पता नहीं हम गेम खेलने लायक भी है नहीं। हो व्हील स्पिन मिला, व्हील स्पिन अब तो कुछ निकल जा, चलो ठीक है कोई कार तो निकली यार, बेंटली है, चलो वही ठीक है।
पिछली बार ऐसे तो अभी बहुत टाइम से ना, या तो कोई पुरानी कार निकलती है या फिर 1-2 हज़ार रुपये निकलते हैं या फिर हमें कोई टी शर्ट मिल जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं तो गाइज इस गेम में कपड़े चेंज करता ही नहीं हूँ, क्या करना है इतने का? हमें कास चाहिए भाई, कास के लिए हम ये गेम खेल रहे हैं। चलो गाइज तो कैसा लगा आपको मुझे बताना, जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके सेम ट्रैक डिफरेंट कार। थैंक्स गाइज, बाय।